कांड को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा राज्यपाल को भेजा गया ज्ञापन। जनपद मुरादाबाद आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हाजी जुबैर हुसैन के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर थाना मंझोला क्षेत्र में हुई पिता पुत्र की हत्या के मामले में जिला अधिकारी के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चरम सीमा पर पहुंच चुका है। पुलिस द्वारा क्षणों के दबाव में दलितों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण मुरादाबाद में मंझोला थाना क्षेत्र में हुई दलित पिता पुत्र की हत्या है, जिसमें पुलिस ने बड़ी आसानी से धारा 304 आदि एवं गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस की ये कार्यवाही गुंडों से मिलीभगत दर्शाती है। आज सूबे में पुलिस की भूमिका रक्षक की जगह भक्षक होती दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी ज्ञापन के माध्यम से मांग करती है कि मृतक के परिजनों को सुरक्षा प्रदान की जाए एवं उन्हें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और मुकदमा हत्या की धाराओं में तब्दील किया जाए, साथ ही पुलिस की भूमिका की भी जांच की जाए। ज्ञापन देने वालों में जाबिर हुसैन एडवोकेट, रविंद्रनाथ भाटिया, जावेद रशीद, मासूम अली, जैदी हसन अहमद, अजय ठाकुर, अजय कुमार आदि लोग मौजूद थे। मेरा नाम जाबिर हुसैन एडवोकेट है, जिला अध्यक्ष। जाबिर जी, किस संबंध में आज ज्ञापन दिया जा रहा है? आज हमने जो मुरादाबाद में हनुमान नगर में डबल मर्डर हुआ है बाप बेटों का, तो उसमें एक लड़की बेचारी बची है, तो उस मर्डर को इन्होंने पुलिस वालों ने 304 में तहरीर किया, जबकि इन्हें 302 में कन्वर्ट करना चाहिए था, लेकिन अभी तक भी शायद आज पेपर में आज भी नहीं आया है, जबकि कल हम लोग आए थे अंबेडकर युवक संघ के साथ, हम गए थे तो SSP साहब ने कहा था कि हम 302 कन्वर्ट कर देंगे, इसे 302 में तरमीम करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। हमारी आज ये मांग है कि उस जो बच्ची बची है एक अकेली गुड़िया, उसको 1 करोड़ रुपये धनराशि दी जाए मुआवजा, और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार ले, क्योंकि वो जो दबंग दिन में 2 से मार सकते हैं तो उस लड़की को मारना बड़ी बात नहीं है, तो उसकी जान की सुरक्षा करनी सरकार की जिम्मेदारी है, उसकी सुरक्षा की जाए, 1 करोड़ रुपये धनराशि दी जाए उसे, और जो भी पुलिस कर्मियों ने ये 304 में मुकदमा दर्ज किया है वो क्यों किया है उसकी जाँच की जाए और उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, पुलिस वालों के खिलाफ़ भी।